दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बजी स्पैरो की ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा कि आप अपने बजी से किस तरह आसानी से ब्रीड जल्दी ले सकते हैं। तो बजी से ब्रीड लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बजी से आप बहुत जल्दी आसानी से ब्रीड ले सकते हैं। जिस बंदे ने पहले किसी भी बर्ड से ब्रीड करवाई हुई है, उसके लिए बजीज की ब्रीड लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जिस बंदे ने पहले किसी बर्ड की ब्रीड करवाई ही नहीं हुई, फर्स्ट टाइम ब्रीड करवा रहा है और वो भी बजीज की, तो उसके लिए भी ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बस छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर अमल करना चाहिए, तो आपका पेयर जल्दी ब्रीड करने पर राजी हो जाता है। और वही बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिये, जब आप पेयर लेने जाते हैं तो आधे से ज्यादा काम तो तभी हो जाता है। पेयर लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। उस तरीके से अगर आप पेयर लेंगे तो आपका पेयर जल्दी ब्रीड पर आएगा। पेयर लेने का अगर आपको तरीका नहीं आता तो फिर आप अपने साथ किसी ऐसे बंदे को लेके जाएं जिसको पेयर खरीदने का तरीका हो, जिसको परचेज की बड़ी मालूमात हो, उसको साथ लेके जाएं, वो आपको अच्छा सा पेयर निकाल के दे। पेयर अच्छे होने से मुराद ये है कि उसका जो मेल हो, मेल फुल एक्टिव हो, जवान हो, मेल को कोई बीमारी ना हो, और मेल सबसे जरूरी बात है कि मेल शरारती हो। शरारती से मुराद ये है कि वो पूरे केज में उछल कूद करता रहे, ढीला ढाला ना हो, कभी एक फीमेल को छेड़ है, कभी दूसरी फीमेल को छेड़ है, इस तरह का मेल हो। इस तरह का मेल बहुत फायदा देता है। इस तरह का मेल ब्रीड पर भी जल्दी ले आता है फीमेल को, और ज्यादा ब्रीड भी देता है। दूसरे मेल भी ब्रीड पर ले आते हैं, लेकिन इस तरह के मेल ज्यादा जल्दी ब्रीड पर लाते हैं और ज्यादा फायदा देते हैं। तो आप मेल इस तरह का लें, जवान हो, उसको कोई बीमारी ना हो और शरारती टाइप का हो। फीमेल आपने जो लेनी है, फीमेल भी आपने जवान लेनी है, ठीक है। फीमेल को भी कोई बीमारी ना हो। बीमारी से मुराद है कि उसको चर्बी ना हो, उसको मोशन ना लगे हो, वो बिल्कुल एक्टिव फीमेल हो। इस तरह की आपने फीमेल लेनी है, कोई बीमार फीमेल नहीं लेनी। अब आपने पेयर ले लिया है, अच्छे तरीके से आपने पेयर ले लिया। पेयर लेके अब आप घर में आ गए। घर में आकर जब आपने उसे केज में डाला है तो आपने फौरन मटकी नहीं लगा दी। आपने तकरीबन उन्हें 3 से 4 दिन देने हैं केज में सेट होने के लिए, फिर आपने मटकी लगा दी। उससे पहले आपने मटकी नहीं लगानी। अगर आप उससे जल्दी मटकी लगा देंगे तो फिर वो मटकी को जल्दी कैरी नहीं करेंगे। अब आपने उन्हें 3-4 दिन दे के फिर मटकी लगा दी। अगर आपने मटकी लगा दी है, वो मटकी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अंदर नहीं जा रहे, उछल कूद नहीं कर रहे, तो फिर वो अभी तक जगह से डर रहे हैं, तो फिर आप उनकी जगह चेंज कर दें, उनको किसी और जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पर उनका डर उतर जाए और वो जल्दी पेड़ बनाए। अब आपने जगह भी बदल दी है उनकी, फिर भी उनका वही हाल है, वो पेड़ नहीं बना रहे, अलग अलग बैठ रहे हैं, तो फिर मसला आपकी जगह में नहीं है, फिर मसला आपके पेड़ में है। या तो आपका जो मेल है वो ब्रीड नहीं करना चाहता इस फीमेल के साथ, या जो आपकी फीमेल है वो इस मेल के साथ ब्रीड नहीं करना चाहती, ऐसा मसला होगा। लेकिन जब ऐसा पेयर होता है, इसका कोई फायदा नहीं होता, ये पेयर बहुत बनाते ही नहीं, या फिर बना भी लें तो फिर ब्रीड बहुत देर से करते हैं, तो ऐसे पेयर का कोई फायदा नहीं। अगर आपका ऐसा पेयर है तो आप उसे चेंज कर दें। या तो ये रीजन होता है, या दूसरा रीजन ये होता है कि वो फिर पेयर होता ही नहीं। ये दो वजहें होती हैं जिसकी वजह से वो केज में सेट नहीं होते। यही बातें हैं, इन पर अगर आप अमल करेंगे तो उनसे जल्दी ब्रीड ले लेंगे। अगर आप इससे भी जल्दी ब्रीड लेना चाहते हैं कि आप कहें कि एक ही हफ्ते में मेरा पेयर ब्रीड पे आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होता, टाइम तो लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी है तो फिर दवाइयाँ देते हैं लोग इनको जल्दी ब्रीड के लिए। मैं तो खैर नहीं देता, मैं तो नेचुरल ब्रीड ही लेता हूँ। जो नेचुरल ब्रीड का मजा है, वो दवाइयों वाली ब्रीड का कहाँ। तो यही बातें हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो इनसे जल्दी ब्रीड ले लेंगे। अब अच्छा, कई लोगों का ये भी मसला आता है कि पेयर बना हुआ है, पेयर की मैटिंग भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन वो अंडे नहीं दे रहे। अगर उनका ग्रोथ हो रहा है, मैटिंग, आपको पता ही होगा क्या होता है। नहीं पता तो आपको इस तस्वीर में पता लग ही रहा होगा। अगर उनकी मैटिंग हो रही है, क्लोज हो रहा है, फिर भी वो ब्रीड नहीं कर रहे, अंडे नहीं दे रहे, तो फिर मसला आपकी फीमेल में है। या तो आपकी फीमेल को चर्बी है, चर्बी होगी, या फिर आपकी फीमेल चर्बी ही होगी जिसकी वजह से वो अंडे नहीं देती।
बाकी तो कोई भी मसला नहीं होता। अब आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि इनसे ग्रेड लेना कोई मुश्किल नहीं है। यही बातें हैं जिन पर आप अमल करेंगे। इनको आपने हमेशा एक माहौल देना है, जिस माहौल में ये ब्रीड करने के लिए राजी हो, इनको हो कि चलो हम भी ब्रीड करें, इस तरह का आपने माहौल देना। इस तरह के माहौल में ये बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे। सिर्फ माहौल ही होता है, बाकी कोई बात नहीं होती, बाकी कोई चक्कर नहीं होता। यही बातें हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो इनसे जल्दी वीडियो ले लो, जल्दी इनसे ब्रीड ले लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ तो लग ही गई होगी। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें कि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।